क्या टम्बलर पीसीज ऑफ क्लोथ से नहीं बन सकता रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर थ्री एंड ऑल्सो कीप इन माइंड डेट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड तो क्या होता है हमने एक्सपेरिमेंट किया ही और चैप्टर नंबर थ्री में हमें देखा ही है तो क्या होता है टम्बलर कीप टू लिक्विड पता है ना एक्सपेरिमेंट किया है वो डेयर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोर्स फिगर नंबर फोर पॉइंट टू वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास प्लास्टिक मेटल और अदर सच मटीरियल्स डेट विल होल्ड वाटर तो क्या होता है टम्बलर में से हमें कोई भी क्लोर्स हो उसमें से हमको लिक्विड हमको नीचे से मिल जाता है पर टम्बलर जो है वो किससे बना हुआ होता है क्लास प्लास्टिक मेटल और अदर मटेरियल से वो बना हुआ होता है सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल तो पेपर लाइक -like का भी मटेरियल्स कुकिंग वेसल में उसका यूज नहीं होगा तो अब हम देखते हैं फिगर नंबर फोर पॉइंट टू यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर तो ये जो बच्ची है वो क्या करती है ये टम्बलर है टम्बलर में से इसमें से हमने मैंने अभी देखा अभी मैंने जो बताया तो इधर वो पानी डाल रही है और इधर जो क्लोथ है उसमें से हमको क्या मिलेगा नीचे लिक्विड मिलेगा और ये सब एक्सपेरिमेंट सबने किया ही है हम जब भी चाह वाले होते हैं चाह वाले क्या करते हैं ऐसे क्लोज सकते हैं और ऊपर से जो चाय डालते हैं और जो वेस्ट होगा वो ऊपर रह जाएगा और चाय होगी वो कहाँ जाएगी नीचे जाएगी वन टाइप ऑफ वो ही एग्जाम्पल है वो कैसे कोई भी लिक्विड है वो उसको क्लोज में से नीचे कैसे लाया जाता है वी सी डेन डेट वी चूज अ मटीरियल्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इज प्रॉपर्टीज कोई भी मटीरियल्स हो तो वो किसके निर्भर कर उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर वो ऑब्जेक्ट हो कोई भी वस्तु हो कोई भी चीज़ हो वो उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्भर करता है एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज यूज और उसमें कौन से ऑब्जेक्ट यूज किया होता है वो वो सब किसके ऊपर होता है उसके मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर ही होता है सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डेट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर दिस यूजेज तो म, जो भी मटेरियल्स बनता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर ही ऑब्जेक्ट होता है सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर अब हमें प्रॉपर्टीज देखनी है मटेरियल्स की अपीरियस उसका मीनिंग क्या होता है उसकी दिखावट कैसी होती है वो हमें देखना है मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो जो भी मटीरियल होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन वुड जो होता है वो आयरन से कैसा दिखता है अलग दिखता है डिफरेंट दिखता है आयरन अपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम तो आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से कैसे है? दिखता है उसकी दिखावट कैसी होती है डिफरेंट होती है एट द सेम टाइम धेर में भी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्युमिनियम डेट आर नॉट धेर इन वुड तो हम सबको पता ही है आयरन है कॉपर है एल्यूमिनियम है उसकी सिमिलरिटी सेम है पर वुड की सिमिलरिटीज के सेम नहीं है वुड उससे तीनों से अलग है देखते हैं कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स पेपर कार्डबोर्ड वुड कॉपर वायर एल्यूमिनियम सीट चॉक डू एनी ऑफ दिस अपीयर साइनिंग तो पेपर है कार्डबोर्ड है वुड है कॉपर वायर है एल्यूमिनियम सीट है चौंक है तो वो सब शाइनिंग मारते हैं सेपरेट द साइनी मटीरियल्स इंटू ग्रुप जो साइनी मटीरियल होता है उसका अलग से ग्रुप बनाना है नाउर्व एज दीचर कर्स मटीरियल इंटू टू पीसेस एंड लुक एट देश सर्फेस फिगर नंबर फोर पॉइंट थ्री अब क्या करना है जो भी मटीरियल्स है उसमें से उनको दो तो 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 पीस करना है और कौन सा सर्फेस का कैसा है साइनी है वो हमको नोटिस करना है फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ मटेरियल्स अपीयर साइनी तो क्या उसमें जो भी मटीरियल है उसमें कट किया है जो मटीरियल साइनी होंगे यानी चमक वाले होंगे इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ साइनी मटीरियल्स तो उसमें जो भी वस्तुएं होगी जो भी चीजें होगी वो उसको दो पार्ट में डिवाइडेड करना है और एक शाइनी वाला मटीरियल्स वाला पार्ट और दूसरा नॉन शाइनी वाला पार्ट डो यू नोटिस सच अर लस्टर इन टू द अदर मटीरियल्स तो हमने नोटिस किया ही है दो साइनिंग मटीरियल्स उसमें कैसे है? चमक होती है वो कर्ज डैम एनी वे एज यू कैन रिपीट दिस इज द्लास विथ एज माइनिंग मटीरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डोस विथ एंड विदाउट लस्टर अब हमको ऐसा लिस्ट बनाना है कि कौन सा मटीरियल्स में साइनिंग है और कौनस में नहीं है स्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटीरियल विद द सैंड पेपर टू सी इज इज लस्टर अब इधर फिगर नंबर फोर पॉइंट थ्री कटिंग पीसीस ऑफ मटीरियल टू सी इफ दे है ये जो है उसमें से क्या किया मैंने कटिंग किया तो कटिंग किया उसके बाद ये दोनों कट हो गया और उसमें से एक साइनी वाला है और एक उसमें साइन नहीं है ओके okay, दोनों पीसेस मटीरियल करो दे हैव लस्टर यानी दोनों में शाइनिंग आ जाती है उसके चमक आ जाती है वो हम देख सकते है मटीरियल यूजली मेटल्स आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स तो इसमें काफी मटीरियल्स होते हैं वो चमक वाले होते हैं लस्टर यानी उसके चमक होती है यूजली मेटल्स वो सब किससे बने होते हैं मेटल्स के ही होते हैं तो मेटल्स के कौन से कौन से एग्जाम्पल है आयरन है कॉपर है एल्यूमिनियम है एंड गोल्ड है वो सब एग्जाम्पल है किसके मेटल्स के यानी धातु के है सब मेटल्स ओपन लॉस देर साइन एंड अपीयर डल तो मेटल्स का क्या होता है वो साइनिंग लॉस हो जाता है उसको साइनिंग थोड़े थोड़े इयर्स हो जाता है उसके बाद उसकी साइनिंग कम हो जाती है और वो डल ही हो जाता है और झक्का हो जाता है एकदम वो पता ही है आपको बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मोइस्टर ऑन डेम वो किसके कारण होता है उसकी चमक कैसे डल हो जाती है क्योंकि एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्टर जो होता है उसके उसकी चमक कम हो जाती है ओनली ऑन डेयर फ्रेशली कट सरफेस उसके बाद फ्रेशली कट सरफेस होता है उसके उसकी चमक एयर हो जाती है? किसके कारण होती है मोइस्टर उसके कारण वो सबने नोटिस किया ही है वेन यू विजिट एन आइनस मिट और वर्कशॉप लुक आउट फ्रॉम फ्रेशली कर्ट सर्फेज एंड मेटल रोज टू सी एफ लस्टर तो आप कभी अभी वर्कशॉप में गए ही हो गए कि जहाँ पे क्या हो गए फ्रेशली कट सर्फेस हो गए तो वहाँ पे क्या होगा जो भी चीजें होगी जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लस्टर होगा यानी वो साइनिंग करेगा वी विल मिट इन नेक्स्ट वीडियो